हेलो, मैं विनोद कुमार यादव, जीपीसी अलवर। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस यूनिट नंबर 5 SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन व साउंड वेव्स पर कुछ सवाल बनाए हैं, MCQs। पहला क्वेश्चन है इसमें, सरल आवर्त गति SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन में प्रत्यानयन बल व विस्थापन व माध्य से विस्थापन में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है समानुपाती व विपरीत होते हैं, एफ समानुपाती माइनस एक्स। दूसरा है समानुपाती व बल की दिशा में ही विस्थापन होता है, एफ समानुपाती प्लस एक्स। व्युत्क्रमानुपाती विपरीत और एफ व्युत्क्रमानुपाती माइनस एक्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है एफ समानुपाती माइनस एक्स। इसका हल इस प्रकार है, सरल आवर्त गति की परिभाषा है कि प्रत्यानयन बल माध्य स्थिति से विस्थापन के समानुपातिक व माध्य की ओर अर्थात विस्थापन के विपरीत ओर लगता है तथा विस्थापन अल्प होना चाहिए। एफ समानुपाती माइनस एक्स, एफ बराबर माइनस के एक्स के बल नियतांक है। क्वेश्चन नंबर 2, सरल आवर्त गति SHM में कण का अधिकतम वेग कितना होता है और उसकी स्थिति क्या होती है, कहाँ पर होता है वह वेग अधिकतम कितना होता है। तो इसके ऑप्शन दे रखें वी बराबर ओमेगा एक्स माध्य स्थिति में, वी बराबर ए ओमेगा माध्य स्थिति में, वी बराबर ए स्क्वायर ओमेगा माध्य स्थिति में, वी बराबर ए ओमेगा अधिकतम विस्थापन की स्थिति में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वी मैक्सिमम वी अधिकतम बराबर ए ओमेगा व माध्य स्थिति के अंदर जहाँ विस्थापन जीरो होता है उस स्थिति में होता है। सरल आवर्त गति के अंदर वेग का फॉर्मूला इस प्रकार दिया जाता है, वी बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा कोणीय आवर्ती है 2π/T, टी आवर्तकाल है, ए आयाम कहलाता है माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। अधिकतम वेग के लिए x का मान 0 होना चाहिए, यानी माध्य स्थिति में कण रहना चाहिए। तो x का मान जब 0 रखते हैं तो ये v बराबर a ओमेगा आ जाता है। अतः अधिकतम वेग a ओमेगा होता है तथा वह माध्य स्थिति में होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 3, सरल आवर्त गति SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन में अधिकतम त्वरण का मान कितना होता है, वह किस स्थिति पर होता है। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास अधिकतम त्वरण ए ओमेगा स्क्वायर माध्य स्थिति में, अधिकतम त्वरण ए ओमेगा अधिकतम विस्थापन स्थिति में, एक्स बराबर ए पर त्वरण अधिकतम जो होता है ए ओमेगा स्क्वायर व अधिकतम विस्थापन एक्स बराबर ए आयाम की स्थिति में, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर 3 सही है, अधिकतम त्वरण का मान होता है ए ओमेगा स्क्वायर व अधिकतम विस्थापन की स्थिति में मान होता है एक्स बराबर ए पर। सरल आवर्त गति में प्रत्यानयन बल का फॉर्मूला हम जानते हैं, एफ बराबर माइनस के एक्स, बल एफ बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण न्यूटन के नियमानुसार। एफ की जगह हम एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर रख देंगे, एम को नीचे ले जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस के अपॉन एम एक्स। के अपॉन एम को ओमेगा स्क्वायर मानते हैं, माना ओमेगा स्क्वायर। अतः डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो त्वरण का जो अधिकतम मान होगा वह एक्स बराबर ए रखने पर होगा, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर यानी परिमाण ए ओमेगा स्क्वायर होता है और एक्स बराबर ए स्थिति पर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, सरल आवर्त गति में कौन सा कथन असत्य है, गलत है। कण का वेग विस्थापन एक्स से π/2 कलाकोण से आगे रहता है। नंबर 2 ऑप्शन है, कण का त्वरण वेग से π/2 आगे रहता है। तीसरा ऑप्शन है, कण का आवर्तकाल T(2π/ओमेगा, ओमेगा की जगह रूट के अपॉन एम यानी 2π√m/k होता है। कण का विस्थापन एक्स और त्वरण समान कला में होते हैं। तो ये चौथा ऑप्शन गलत है, क्योंकि कण का
विस्थापन और त्वरण विपरीत कला में होते हैं, इनके बीच पाई कला अंतर होता है। त्वरण जो होता है विस्थापन से 180 डिग्री कला कोण से या पाई कला कोण से आगे रहता है, अतः चौथा ऑप्शन गलत है, असत्य कथन है, बाकी तीन सही हैं। तो विद्यार्थी इन सही कथनों को याद रखें, इन पर कोई भी ऑब्जेक्टिव आए तो समझ सकते हैं। सरल आवर्त गति SHM में कण या निकाय की कुल ऊर्जा का मान कितना होता है, यानी गतिज और स्थितिज ऊर्जा का जोड़ टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा का मान होता है। समय के साथ परिवर्तित होता है, विस्थापन के साथ x के साथ परिवर्तित होता है, वेग v के साथ परिवर्तित होता है, चौथा ऑप्शन है नियत रहता है। तो इसका सही जो आंसर है वो है चौथा है, नियत रहता है। सरल आवर्त गति के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन में निकाय की कुल ऊर्जा गतिज और स्थितिज ऊर्जा के जोड़ के बराबर होती है, चूँकि गतिज ऊर्जा होती है हाफ एम वी स्क्वायर और वी का मान होता है ए ओमेगा हाफ एम वी स्क्वायर और स्थितिज ऊर्जा हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, तो वी का मान रखेंगे हम एक्स विस्थापन जो होता है ए साइन ओमेगा टी और इसका अवकलन करें तो वेग आता है साइन का अवकलन कोस ओमेगा, ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा बार हो जाएगा ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। वी और एक्स का मान रखने पर तो यह आ जाएगा हमारे पास एम ओमेगा स्क्वायर बराबर के होता है, एम ओमेगा स्क्वायर बराबर के, अतः यह हाफ के स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, ये एक्स की जगह ए साइन ओमेगा टी रखेंगे तो ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी स्क्वायर, तो दोनों में हाफ के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस को स्क्वायर का मान एक होता है, अतः यह हाफ के स्क्वायर हो जाएगा बराबर नियत होगी, यानी कि सरल आवर्त गति में कुल ऊर्जा का मान नियत रहता है, किसी भी राशि एक्स समय वेग पर निर्भर नहीं करता है। दूसरी तरह से इस तरह भी देख सकते हैं हम कि गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर स्थिति ऊर्जा हाफ के एक्स स्क्वायर में वी का मान वी बराबर ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर वर्ग के अपॉन एम एम ओमेगा स्क्वायर बराबर के इसमें रख दें तो ये हमारे पास हाफ के एक्स स्क्वायर से हाफ के एक्स स्क्वायर कट जाएगा, हाफ के स्क्वायर आएगा, यानी के बल नियतांक है, ए आयाम किसी भी सरल आवर्त गति का आयाम, अधिकतम विस्थापन नियत होता है, तो ये नियत राशि आती है। क्वेश्चन नंबर 6, तरंग गति में निम्न राशियों का संचरण या स्थानांतरण होता है। तरंग गति में कौन कौन सी राशियाँ एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, ऊर्जा और संवेग, ऊर्जा और द्रव्यमान, संवेग और द्रव्यमान, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है ऊर्जा और संवेग का संचरण होता है। तरंग के साथ ऊर्जा व संवेग का संचरण होता है, स्थानांतरण होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जबकि माध्यम के कण गमन नहीं करते हैं, माध्यम के कण अपनी साम्यावस्था के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तरंग गति में निम्न में से कौन सा कथन गलत है सत्य है। तरंग का वेग का फॉर्मूला वी बराबर एन लैम्ब्डा, एन आवर्ती, लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य है, तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति नियत रहती है, अलग अलग माध्यम में तरंग वेग व तरंग दैर्ध्य अलग होते हैं, और चौथा ऑप्शन है अप्रगामी तरंग में ऊर्जा का संचरण होता है, तो ये गलत है, अप्रगामी तरंग में ऊर्जा का संचरण नहीं होता है, बाकी तीन ऑप्शन सही हैं। तरंग का वेग भी बराबर आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य होता है, तरंग संचरण में आवृत्ति नियत रहती है, विभिन्न माध्यमों में तरंग का वेग तरंग दैर्ध्य बदलता रहता है, जबकि अप्रगामी तरंगों में ऊर्जा का संचरण नहीं होता है, ये चौथा जो कथन है वो गलत है, ऊर्जा का संचरण गमन करता है, ऊर्जा गमन करती है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से असत्य कथन छांटिए, ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, प्रकाश तरंगे निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, श्रव तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की रेंज की होती हैं, आवृत्ति प्रास की होती हैं,
आवृत्ति प्रास की होती हैं, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, तो चौथा ऑप्शन गलत है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं, न कि अनुप्रस्थ प्रकृति की। बाकी तीन ऑप्शन सही हैं कि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इनकी श्रव्य तरंगे सुनने योग्य तरंग 20 हर्ट्ज ही होती हैं। ध्वनि तरंगों की अनुदैर्ध्य प्रकृति होती है, न कि अनुप्रस्थ प्रकृति। अनुप्रस्थ प्रकृति प्रकाश तरंगों की होती है। क्वेश्चन नंबर 9, ध्वनि तरंगों के वेग का सूत्र नहीं है। इनमें से कौन सा सूत्र ध्वनि तरंगों के वेग का नहीं है? वी बराबर अनरूट ई अपॉन रो, ये प्रत्यास्थता गुणांक, रो माध्यम की माध्यम का घनत्व है। वी बराबर पी अपॉन रो, न्यूटन का सूत्र है जिसमें पी दाब है और रो घनत्व है। और वी बराबर गामा पी अपॉन रो का अंडर रूट, ये लाप्लास संशोधन या गैस में ध्वनि का वेग का सूत्र है लाप्लास का। और चौथा वी बराबर पी अपॉन एम, तो ये चौथा गलत है, ये ध्वनि वेग का सूत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, ध्वनि वेग निम्न राशि पर निर्भर नहीं करता है। पहला है गैस के दाब पर, दूसरा गैस के ताप पर, तीसरा गैस के आर्द्रता पर, गैस के अणु के द्रव्यमान पर। तो इसका ऑप्शन है गैस के दाब पर, क्योंकि हम जानते हैं ध्वनि का वेग गैस के दाब पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि V बराबर रूट पी अपॉन रो, दाब बटा घनत्व। दाब बढ़ाने पर गैस का आयतन घटता है, जबकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, आयतन घटने पर घनत्व बढ़ेगा। अतः दाब और घनत्व का अनुपात नियत रहता है, अर्थात दाब पर दाब का गैस के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि V बराबर रूट आर टी अपॉन एम, यानी गैस ध्वनि का वेग उसके परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वह आर्द्रता पर भी निर्भर करता है, आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि तरंग का वेग बढ़ता है। अतः इसमें पहला ऑप्शन जो गैस का दाब पर निर्भरता नहीं होती है सही है। अनुनाद नली का उपयोग निम्न राशि ज्ञात करने में किया जाता है, द्रव का घनत्व ज्ञात करने में, हवा में ध्वनि का वेग ज्ञात करने में, वायु का दाब ज्ञात करने में, या संवेग ज्ञात करने में। तो इसका ऑप्शन है हवा में ध्वनि का वेग ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अनाद नली में ध्वनि का वेग वी बराबर इस सूत्र से दिया जाता है 2n√L2 − L1, एन सवृत्र की आवृत्ति है और L1 L2 अनादि लंबाई है। इस प्रयोग में सिरा संशोधन x बराबर L2 − 3L1 बटा 2 सिरा संशोधन भी ज्ञात करते हैं अनाद नली में। क्वेश्चन नंबर 12, अपरगामी तरंग के लिए कौन सा कथन गलत है, असत्य कथन है? उछाटिए, माध्यम में संचरण नहीं करती, आगे नहीं बढ़ती हैं। अपरगामी तरंग माध्यम में आगे नहीं बढ़ती हैं, ऊर्जा का संचरण नहीं होता है, निष्पंद व परस्पंद बनते हैं, केवल अनुप्रस्थ अपरगामी तरंग बनते हैं। चौथा ऑप्शन गलत है कि केवल अनुप्रस्थ अपरगामी तरंगे बनती हैं। अपरगामी तरंगे दोनों प्रकार की बनती हैं, अनुप्रस्थ अपरगामी तरंगे व अनुदैर्ध्य अपरगामी तरंगे। अतः चौथा ऑप्शन गलत है, बाकी तीन ऑप्शन सही हैं, वो अपरगामी तरंग विशेषताएं भी हो जाएंगी। सवाल नंबर 13, अपरगामी तरंग में असत्य कथन चाटिए, निष्पंद पर कणों का आयाम व वेग शून्य होता है, प्रस्पंद पर कणों का आयाम वेग अधिकतम होता है, क्रमागत निष्पंद व प्रस्पंद के बीच की दूरी लैम्डा बटा 4 होती है। और चौथा ऑप्शन है क्रमागत निष्पंद से निष्पंद की दूरी, निष्पंद से निष्पंद की दूरी लैम्डा होती है, तो ये गलत है चौथा ऑप्शन, क्योंकि क्रमागत निष्पंद निष्पंद के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2 होती है। इसी प्रकार क्रमागत प्रस्पंद प्रस्पंद के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2, लेकिन दो निष्पंदों के बीच में प्रस्पंद बनता है, तो निष्पंद व प्रस्पंद के बीच की दूरी लैम्डा बटा 4 होती है, तो ऑप्शन 4 असत्य है। क्वेश्चन नंबर 14,
अपरगामी तरंग में दो तरंगों का अध्यारोपण होता है, इनमें कौन सा कथन गलत है कि दो तरंगों का आयाम समान होता है, उनकी आवृत्ति समान होती है, दोनों तरंगें एक दूसरे के विपरीत दिशा में संचरण करती हुए अध्यारोपित होती हैं, और चौथा अपरगामी तरंग में ऊर्जा का संचरण होता है। तो ये चौथा ऑप्शन गलत है कि अपरगामी तरंग में ऊर्जा का संचरण होता है, क्योंकि अपरगामी तरंग में ऊर्जा का संचरण नहीं होता है। तो समान आयाम की समान आवृत्ति की तरंगें विपरीत दिशा में संचरित होते हुए अध्यारोपित होती हैं, तब अपरगामी तरंग का निर्माण बनता है। यह अपरगामी तरंग की परिभाषा है, जबकि ऊर्जा व संवेग का संचरण नहीं होता है अपरगामी तरंगों में, और न ही विक्षोभ यानी तरंग आगे गमन करती है, न उसका आगे बढ़ती है, गति भी नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 15, अपरगामी तरंग का विस्थापन प्रोग्रेसिव वेव y = a sin ωt - kx में गलत कथन को छांटना है, गलत कथन कौन सा है? ए, इसमें आयाम है, तरंग का आयाम है, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग है, 2πn, n आवृत्ति, 2π/T आवर्तकाल है, के संचरणीयतांक 2π/λ, लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य है, और चौथा ऑप्शन है कणों के कंपन सरल आवर्त गति नहीं करते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि माध्य स्थिति के इर्द गिर्द सरल आवर्त गति करते हैं। चौथा ऑप्शन गलत, क्योंकि तरंग गति में माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के इर्द गिर्द आसपास दोनों तरफ सरल आवर्त गति करते हैं। इसका विस्थापन समीकरण साइन तरंग के रूप में या कोस तरंग के रूप में भी दिया जा सकता है, हो सकता है। तो ये थे हमारे पास सरल आवर्त गति SHM व ध्वनि तरंगों पर आधारित कुछ सवाल। धन्यवाद।